24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं? पुलिस पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू, अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनों या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्यौहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं तो फिर कभी ना कभी आपके ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है, और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो है पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर, तो ऐसा तो हर जगह पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको उस तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं, जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, आपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करनी नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद, अगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम सह, अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें, तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए, फिर हम भी बोले। तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात तो है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो है पुलिस लॉ ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी सरकार पर। पुलिस पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां वहां एक्शन ले रही है, मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, उन्होंने मैंने उनको भी पूछा, हाँ, कभी फिर सामने सामने, अभी उसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं।
क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या, ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए, वो सुरक्षित नहीं है।